अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर यखनी हांडी। बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड मसालों से बनकर तैयार होगी और टेस्ट बहुत मज़े का होगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट होगा और बनाने में बहुत आसान भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर यखनी हांडी। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें तकरीबन 10 से 12 काजू डाल देंगे। इन काजुओं को 10 मिनट पहले गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था, जिससे कि बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा। अब ये 200 ग्राम पनीर के मैंने क्यूब्स कर लिए हैं और बस थोड़ा सा पनीर 30-35 ग्राम यानी 3-4 क्यूब हम इसी काजू के साथ मिक्सर में डाल देंगे। साथ में डालेंगे इसमें आधा कप दही और एकदम फाइन इसको पीस लेंगे। एकदम फाइन मैंने पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं। इधर खुशबूदार मसाले तैयार करेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च, 2-3 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 8-10 दाने काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून जीरा। इन मसालों को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। बस हल्की सी इनमें खुशबू आने लगेगी ना, तभी तक ड्राई रोस्ट करिएगा, ज़्यादा देर मत करिएगा। सिर्फ इनका मॉइस्चर निकालना है और हल्की सी खुशबू रिलीज़ करनी है। फौरन इसको एक प्लेट में पलट लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको भी मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। फाइन मत पीसिएगा, इसी तरह से दरदरा रखिएगा, वरना फिर ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा। अब एक पैन में 1 टीस्पून तेल गरम करके इसमें पनीर डाल देंगे। तो छोटे छोटे से क्यूब्स करें मैंने, आप मनचाहा शेप काट सकते हैं पनीर का। और पनीर को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा साइड में रख देंगे। अब पैन ले लेंगे, 2 चम्मच देसी घी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो तेल में ही बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें बटर भी डाल देंगे, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। साथ में आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस टाइम पर आपको डालना है। मैंने डाला है पर वो मेरी क्लिप मिस हो गई है। और साथ में मिक्सी का जार खंगाल कर इसमें पानी डाल दीजिएगा 1/4 कप। और इसी के साथ जो आपने मसाले दरदरे पीसे हैं ना, ये भी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। तो बस 3-4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे। साथ ही में इसमें नमक डालेंगे, तो आधा टीस्पून नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ये ग्रेवी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। तो आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। जब आपका मसाला थोड़ा भुन जाए, 2-3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई आप इसमें डाल लीजिएगा। इससे जो मसालों का फ्लेवर है ना एकदम बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमने रोस्ट करके डाले हैं। और साथ में जो हमने पनीर फ्राई करके रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको ढक कर पकाएंगे एकदम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इधर पैन के अंदर 1 चम्मच तेल या फिर घी को गर्म करके इसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, क्यूब्स में काट कर डाल देंगे। और थोड़ी सी अदरक भी मैंने जूलियन ली है। और हाई फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस हल्का सा इनमें कलर आने लगेगा ना, इस तरह से हल्के से ये गोल्डन होने लगेंगे। बस इतना ही फ्राई करना है क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच बनाए रखना है। और बस ये जो फ्राई करी हुई सब्जियाँ हैं पनीर के अंदर डाल देंगे और एक मिक्स दे देंगे इसको। और अब इसको फिर से ढक देंगे और बस एकदम लो फ्लेम पर 2 मिनट और पका लेंगे। अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, कुछ बहुत लेंदी कुकिंग नहीं है। बहुत ही 15-20 मिनट में ये सब्ज़ी आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो बस 2 मिनट मैंने और पकाया था एकदम धीमी आंच पर। और यहाँ पर हमारी पनीर यखनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मैंने इसमें पानी कम ही डाला है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इसी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत टेस्टी पनीर यखनी बनकर तैयार है। इसमें जो हमने मसाले डाले ना रोस्ट करके, इसके टेस्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। माइल्ड मसालों में बेहतरीन डिश बनकर तैयार होती है, बहुत ही क्विकली बन जाती है। बस आप किचन में यूं गए और यूं आए, इस तरह से ही बन जाती है। इसके साथ आप लच्छा पराठा बनाएं या फिर कुलचा बना लें, बटर नान से भी अच्छी लगती है, या फिर सिंपल चपाती से भी आप इसको खा सकते हैं। तो ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।